नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की सुबह सुबह की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने 1833 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को 1713 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिली है। वहीं राज्य आयोग ने इसकी जानकारी दी है कि राजस्थान के 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्यों और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। बड़ी खबर आपको दे दे, वोटों के गिनती के बाद अब परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। परिणामों के अनुसार बीजेपी को 1833, कांग्रेस को 1713 और राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक निर्दलीय 412 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी को 56 जगह जीत मिली है। इसी तरह राजस्थान में जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में अंतिम समाचार मिलने तक बीजेपी 190, कांग्रेस 121 और आरएलपी 5 सीटों पर जीती। और इन चुनावों के परिणामों को लेकर जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो वह हम आपको वीडियो के अंत में देंगे, क्योंकि कुछ ही समय बाद फाइनल परिणाम घोषित होने वाला है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दे, राजस्थान पंचायत राज चुनाव परिणाम के बाद सीकर जिले के फतेहपुर सेकावाटी के बलोद बड़ी गाँव में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। यहां पर दो पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है और 4 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, चुनाव परिणाम के बाद जीते हुए प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा विजय जुलूस निकालने पर यह विवाद उपजा है, जिसकी वजह से बलोद बड़ी गांव में हालात तनावपूर्ण हो गए। विजय जुलूस का विरोध देखते देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। और अब बड़ी खबर आ रही है, सेकावाटी के बलोद बड़ी गांव में चुनावी हिंसा में मृतक कन्हैया लाल के पिता की भी मौत हो चुकी है। तो चुनावी हिंसा में कुल 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, जुलूस निकालने की बात को लेकर यह हिंसा हुई थी। जीतने वाले और हारने वाले दोनों गुट आपस में भिड़ गए और इस हिंसा में 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे, राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए कोविड-19 प्रतिरक्षक टीकाकरण का प्रथम चरण वर्ष 2021 के प्रारंभ के साथ ही यथाशीघ्र शुरू किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि कोविड-19 वैक्सीन प्रथम चरण में प्रदेश के राजकीय और निजी चिकित्सा सेवा और महिला बाल विकास विभाग के कर्मियों को लगाकर उन्हें प्रतिरक्षित किया जाएगा। तो बड़ी और राहत वाली खबर यह है कि अब जल्द ही राजस्थान में कोरोना की वैक्सीन आने वाली है और 2021 के प्रारंभ के साथ ही यह टीका लगना शुरू हो जाएगा। कहीं न कहीं बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने कई लोगों की नींद खराब कर रखी थी। राहत की बात यह है कि अब काफी जल्द इसकी वैक्सीन राजस्थान में भी उपलब्ध होगी। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी है। वसुंधरा राजे ने कहा है कि राजस्थान में संपन्न हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने कांग्रेस सरकार के झूठे दावों को नकार कर भाजपा पर विश्वास जताया है। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, अगर इतिहास उठाकर देखें तो बाड़मेर में हमेशा कांग्रेस का जिला प्रमुख बनता आ रहा है। पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यहां पर आके कांग्रेस का पूरा गेम बिगाड़ दिया। दरअसल यहां पर 18 सीटें भाजपा ने जीती है और 18 कांग्रेस ने, और एक जीती है आरएलपी ने, और यह आरएलपी की एक सीट निर्णायक भूमिका में रहेगी। पंचायत राज चुनाव से ही जुड़ी आपको एक और बड़ी अपडेट दे दे, रात 2:30 बजे तक पंचायत समिति की कुल 4371 में से 4051 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें से 1836 पर अब बीजेपी का कब्जा है और 1718 पर कांग्रेस का, और निर्दलीय 422 पर। वहीं आरएलपी 56, सीपीआईएम 16 व बसपा ने 3 सीटें जीती। वहीं जिला परिषद के जो नए आंकड़े मिल रहे हैं उनके अनुसार 636 सीटों में से 598 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें भी बीजेपी आगे है, बीजेपी 323, कांग्रेस 246, निर्दलीय 17, आरएलपी
पार्टी 10 और सीपीआईएम 2 पर जीती है। इस बार लगभग आंकड़े साफ हो गए हैं और कांग्रेस को कहीं न कहीं बड़ा झटका लगा है। तो यह थी प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।